दिया कि उनका एकाना भी किसी चेपॉक से कम नहीं है। और लखनऊ ने यहां पर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि सीएसके को हरा दिया, 8 विकेट से हरा दिया, बहुत बड़ी जीत है ये। केएल राहुल ने 82 रन मारे, डी कॉक ने भी हाफ सेंचुरी लगाई और निकोलस पूरन ने फिनिशिंग टचेस दिए, 23 रन उन्होंने बनाए नॉट आउट, जहां 177 रन का टारगेट दिया था चेन्नई ने। और जहां पर लग रहा था कि लखनऊ के पिच पर थोड़ा मुश्किल होगा ये टारगेट चेस करना, वहां पर लखनऊ कहता है आप कह रहे हो 177, हमें 180 बना के दिखाते हैं आपको। बताइए प्रशांत, ये क्या करें इन्होंने भाई, अदब से हराया है, मतलब यही होता है अदब से हराना। आए और कोई भी विकेट नहीं गिरा, 134 रन की पार्टनरशिप हुई क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल के बीच में। चेन्नई ने 177 बनाए, जहां पर लग रहा था शायद चेन्नई का स्कोर 150 भी ना पहुंचे, वहां अम्मा ही आए और उन्होंने जो जबरदस्त पारी खेली, ये 134 रनों की पार्टनरशिप थी जो 177 चेस करने में जिसने लखनऊ को कामयाबी दिलाई। और जहां एक पॉइंट पे एक्चुअली ये भी लग रहा था कि कहीं यही लोग ना आगे टारगेट तक ले जाए, क्योंकि आउट ही होकर कोई राजी नहीं हो रहा था। क्विंटन डिकॉक की विकेट भी जब गिरी थी तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में विकेट गिरी है क्या, उनको खुद को भी नहीं हो रहा था। धोनी साहब को भी बाद में थोड़ा सा रियलाइज हुआ, लगता है एज हुआ है, और बाद में इससे पहले कि अंपायर्स को पता चलता, कुछ रिव्यू वगैरह लेते, इतने में गहरत जाग गई क्विंटन डिकॉक की और कहते मैं चलता हूं, दुआओं में याद रखना, बस मेरा हो गया, बस मेरा हो गया। लेकिन भाई जो राहुल ने खेला है, राहुल की आज परफॉर्मेंस के लिए जो सुनील शेट्टी है उन्होंने क्या बोला होगा, क्या बोला है? आज अगर राहुल के बारे में किसी ने बोला तो जान से मार दूंगा। अरे ऐसा नहीं, उन्होंने यही कहा होगा, वैसे तो सैफ बोलते हैं बट ये 82 रन मारे केएल राहुल ने और 53 बॉलों में मात्र 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा और 9 चौके 3 छक्के इस पिच के ऊपर, लखनऊ के स्टेडियम के पिच पे जहां पर किसी से रन नहीं बन रहे थे, सबको लग रहा था बॉल बहुत अटक के आ रही है, रन मारना टाइमिंग नहीं आ रही थी, बल्ले पे बॉल चढ़ नहीं रही थी, वहां पर केएल राहुल ने आते ही आज मारना शुरू कर दिया था। और यकीन मानिए इस पिच पे आप 150 का अगर स्ट्राइक रेट देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। बस धोनी भाई से कंपेयर मत करना क्योंकि वो तो अलग लेवल पे खेल रहे हैं ना आजकल, अलग ही लेवल है यार, मतलब कोई भी विकेट कीपर आस पास भी नहीं टिकरा है धोनी के, क्योंकि आप किसी की भी बात कर लो, चाहे ऋषभ पंत की बात कर लो, ईशान किशन की बात कर लो, सैमसन की बात कर लो, जिस मर्जी की बात कर लो, धोनी सबसे ऊपर चल रहे हैं भाई यार। धोनी भाई को मतलब अब सारे जो है, ये आपको ब्रेकिंग न्यूज हमने बताई कि जो लखनऊ ने 8 विकेट से हरा दिया चेन्नई को, लेकिन चेन्नई के फैंस के लिए तो, और जितने धोनी के फैंस हैं, माही भाई के फैंस हैं, उनके लिए तो ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज हुई ना। तो क्यों चेन्नई वाले ऐसा कर रहे हैं कि धोनी भाई जो आते हैं छा जाते हैं, 9 बॉलों पर 28 रन ठोक जाते हैं, जहां पे उन्होंने 3 चौके भी लगाए, 2 छक्के भी लगाए, 311 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, तो धोनी भाई ये पहले बैटिंग करने क्यों नहीं आते। आज फिर भी लखनऊ की जनता जो थी बहुत लकी थी कि उनको 2 ओवर लगभग 13 बॉले जो थी उसके लिए धोनी भाई क्रीज पर देखने को मिल गए थे और उन्होंने बढ़िया खेला भी। तो अगर ये जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि 150 रन भी ना बन पाते चेन्नई के, अगर धोनी भाई की ये इनिंग ना आई होती तो भाई मतलब ये पहले अगर आ जाए तो थोड़ी सी मजा सा नहीं आ जाएगा, मजा आ जाएगा यार, मतलब धोनी समझ ही नहीं रहे। खैर हो सकता है धोनी ये भी सोच रहे हो कि यार मेरा काम हो गया है, अब मेरा सिर्फ एक ही काम रह गया है कि मैं 8वें पे आऊंगा, डिस्ट्रॉय करूंगा, फैंस को खुश करूंगा और भागते हुए चले जाऊंगा। रुकते नहीं है भाई, भाग के जा रहे हैं धोनी, फटाफट निकल जाते हैं, भाग के डबल डबल भी ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। बाकी आपको दिखाते हैं बैटिंग कार्ड, दिखाते हैं लखनऊ का किस तरीके की बैटिंग रही है। क्विंटन डिकॉक ने अपनी हाफ सेंचुरी बना ली थैंक्स टू पति राणा, बीच में इनका कैच छोड़ दिया था, वरना पहले ही प्रेशर में आ सकती थी लखनऊ। 54 रन उन्होंने बनाए 43 बॉलों में, 5 चौके 1 छक्का। और देखिए ये भी जो ताबड़तोड़ खेलने वाले बैट्समैन हैं, इनके बल्ले से भी बहुत आसानी से रन नहीं निकल रहे थे, 125 का स्ट्राइक रेट रहा इनका। केएल राहुल जो थोड़ा सा पहले और भी तेज खेल रहे थे, लगभग 200 के आसपास स्ट्राइक रेट चल रहा था, इवेंचुअली थोड़ा सा स्लो हो गए थे, लेकिन फिर भी कैप्टन्स नॉक उन्होंने खेली, 82 रन 53 बॉलों में, किसी भी तरीके से इस इनिंग को खराब नहीं कह सकते हैं, एफर्टलेस इनिंग थी, बिना किसी रिस्क के इनिंग थी, सारे शॉट जो आ रहे थे कंप्लीट क्रिकेटिंग शॉट्स थे, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं मारा इन्होंने कि मतलब मैं आज धोनी भाई भी जहां एक बार को आज पीछे स्कूप करने की कोशिश कर रहे थे छक्का भी गया था, लेकिन केएल राहुल ने आज ऐसा कुछ नहीं करा। मेरे को लग रहा है ये आशुतोष शर्मा और ये स्काई जो है अपने, इनका वाला कुछ देख लिया रहा है यार, मतलब धोनी भाई ने, ये मैंने आज तक नहीं देखा धोनी भाई ने ऐसा कोई शॉट मारा, पहली बार ऐसा लगा। लेकिन मार्कस स्टोइनिस आए 4th नंबर पर, आज 8 रन मारे इन्होंने, 7 बॉलों पे 1 चौका आया इनके बल्ले से, 114 का स्ट्राइक रेट रहा, पर इससे ज्यादा की कोई
जरूरत भी नहीं थी, तो आज इनके स्ट्राइक रेट को कुछ खराब किया नहीं, तो खेलना खेलना चाहिए ना इन्हें भी। तो मार्कस स्टॉइनिस बहुत टाइम से मतलब तगड़े पिंच हिटर माने गए हैं, मोटे डोले वाले बंदे। हाँ, तो अपनी टीम के पिंच हिटर है, इनको किसने पिंच कर दिया, चूटी काट दी, क्या कर दिया इनका, रन क्यों नहीं बना रहे हैं समझ नहीं आ रहा। लेकिन निकोलस पूरन 23 रन आज इन्होंने बनाए 12 गेंदों पे, और इनका खेलने का स्टाइल यही है, आऊंगा मारूंगा फिर चले जाऊंगा। 3 चौके 1 छक्का इनका आया, 191 से ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट रहा। तो सिर्फ 4 ही लोग थे जिन्होंने आज लखनऊ की टीम से बैटिंग करी, पर दूसरी तरफ जो चेन्नई वाले थे वो बैटिंग करते जा रहे आउट होते जा रहे, करते जा रहे आउट होते जा रहे। समीर रिजवी उन्होंने खरीद लिया है, 8.5 करोड़ का बंदा, वो 8 रन मार के निकला। अरे छोटा रहना कह रहे थे इन्हें भाई, ये कैसे चिन्ना थाला है, ये कैसे छोटे, मतलब चिन्ना थाला के नाम पर मतलब ऐसे आप मिटाओ मत यार, बिल्कुल ही आपने रोना निकाल दिया चेन्नई वालों का। यार देखो रैना भाई के वैसे वो बिग शूज टू फिल है, वो वाली बात भी है कि आसानी से कोई आके एकदम से नहीं, मिस्टर आईपीएल है, और मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि एकदम से कोई नया लड़का आएगा। लेकिन चेन्नई की एक खास बात है, अगर इनके प्लेयर्स कोई भी छोटे प्लेयर हो, मतलब ज्यादा रेनाउंड ना हो, या बड़े प्लेयर भी हो, अगर बहुत अच्छा नहीं भी कर रहे होते ना, तो भी परसिस्ट करते हैं उनके साथ कि भाई एक दिन तो ये चलेगा, एक दिन तो ये बढ़िया करेगा, और इसी कॉन्फिडेंस में वो प्लेयर बढ़िया कर भी जाते हैं। आपके आगे सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देना है तो अजिंक्य रहाणे का दे सकते हैं भाई, लगता है तुषार देशपांडे का एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिर तो पता ना कभी दीजिए, सबका एग्जाम्पल दीजिए बढ़िया। मतलब जो बंदा तुषार देशपांडे जब दिल्ली की टीम में था दबादब रन खाता था, वही जब माही भाई के अंडर जब वो खेल रहा है, तो 4 ओवर के अंदर आज 42 रन खाए, हालांकि थोड़े से महंगे साबित हुए। अरे ये तो इनका नेचुरल फॉर्म है, इनके 2-3 बार से थोड़े से इकोनॉमिकल जा रहे थे, तभी आपको लग रहा था कि तुषार भाई क्या हो गया है, सब ठीक है कि नहीं है जीवन में, अचानक से आज वो आते हैं 4 ओवर में 42 डलवा देते हैं, उसके बाद सब सुंदर लगता है, आपको लगता है सब कुछ जीवन में नॉर्मल चल रहा है। बाकी दीपक चाहर ने भी मतलब कसर कोई नहीं छोड़ी थी, बीच में 3 ओवर के अंदर इन्होंने 26 रन खाए, लेकिन बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग थी, इकोनॉमी रेट भले 8.6 का रहा, लेकिन आप अगर बॉलिंग इनकी देखेंगे तो बस ये लगा लो कि बल्ले में बॉल चढ़ नहीं रही थी, वरना आज इतने लंबे छक्के खाने थे, क्योंकि दीपक चाहर की बेइज्जती तो आज यार कमेंटेटर कर रहे थे, कहते ये 125 वाले जब स्लोअर बॉल 117 पे डालते हैं तो काहे की स्लोअर बॉल और काहे की फास्टर बॉल, तो ये भी एक इनके साथ था। और स्विंग जब नहीं होती है तो ये भी बहुत ही ज्यादा टूथलेस इनकी बॉलिंग लग रही होती है। मुस्तफिज़ और 4 ओवर 43 रन, 1 विकेट ले लिया इन्होंने, थोड़ी सी इज्जत बच गई, लेकिन डाल ये भी बड़ी खराब सी रहे थे, बिल्कुल काफी खराब थे। लेकिन रविंद्र जडेजा आज 3 ही ओवर डाले, 32 रन इन्होंने खाए, 10.66 सबसे महंगे, ऑलमोस्ट सबसे महंगे जो ये बॉलर है वो साबित हुए। मतीशा बदिराना 4 ओवर 29 रन, 1 विकेट इनके भी हाथ आई, 7.25 इनकी इकोनॉमी रही। फिर मोइन अली, जो जिस बंदे की इकोनॉमी सबसे बढ़िया रही, जिसने एक ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, उसको ओवर ही नहीं दिया। हाँ, ये लॉजिक मतलब समझ में ही नहीं आया कि चेन्नई ने आज क्या करा। अब हर कोई जो है वैसे तो जब जीतते हैं तो कह देते हैं भाई धोनी भाई ने जिता दिया, हाँ। और जब हारते हैं तो फिर ये ऋतुराज गायकवाड़ पे आ जाएगा, क्या कर रहा है ऋतुराज, ये कैसी कैप्टेंसी है, ये क्या धोनी भाई का नाम खराब कर रहे हैं उनसे सीख सीख के। मोइन अली जैसा बंदा, एक ऐसा स्पिनर जिनको आप आज उनको खिला रहे थे, डैरिल मिचेल को आपने नहीं खिलाया।